हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में एचपी जी के वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 22 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233 थ्री थ्री हु हैज डिस्टिंगशन ऑफ बींग दंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लेम माउंट एवरेस्ट इन नाइनटीन नाइनटी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व में सबसे युवा होने वाला विशिष्ट कौन है आप सभी को पता है सबसे यंगेस्ट जिन्होंने 1993 में माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया था उनका नाम था डिक्की डोलमा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिक्की डोलमा की यहाँ पे बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं ये जो है वो कुल्लू की रहने वाली थी और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एग्जैक्ट इनका जो विलेज है वो आपके साथ शेयर किया था कि एग्जैक्ट ये कहाँ की रहने वाली थी पालचन ठीक है जो कि मनाली के नज़दीक है तो बर्थ प्लेस आपने याद रखना है और ये जो है सबसे यंगेस्ट गर्ल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया था और किस वर्ष किया था ये इम्पोर्टेंट है 1993 ये आपने याद रखना है इसी तरह से कुछ और फैक्ट्स हैं जैसे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट फर्स्ट पर्सन थे सुनील शर्मा ठीक है और फर्स्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक हॉकी इंडिया की तरफ से हॉकी में ओलंपिक में किसने रिप्रजेंट किया था चरणजीत सिंह ये नाम भी आपने याद रख लेना है ठीक है अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सुमन रावत सुमन रावत के बारे में अगर हम जाने तो इनको जो है 1987 में परशुराम अवार्ड से नवाजा गया है फर्स्ट परशुराम अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था सुमन रावत ये जो थी वो एथलीट थी और कहाँ की ये रहने वाली है सुंदरनगर। तो ये पॉइंट्स भी आपने नोट कर लेने नेक्स्ट है टू थ्री फोर बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एच बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है तो बशेश्वर महादेव जो टेम्पल है ये सिचुएटेड है वैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये सिचुएटेड है बजौरा में तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब यहाँ पर कुल्लू भी मेंशन है पर एग्जैक्ट जहाँ पर ये लोकेट करता है बजौरा वो भी यहाँ पे गिवन है तो आपने क्या मार्क करना है यहाँ पे बजौरा क्लियर अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की टेम्पल्स की बात हो रही है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से टेम्पल्स हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कुल्लू में कौन कौन से टेम्पल्स हैं सबसे पहले आपने याद रखना है रघुनाथ रघुनाथ टेंपल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था राजा जगत सिंह दूसरा जो टेंपल आपने याद रखना है कपिल मुनि ये टेंपल किसके द्वारा बनाया गया था राजा मानसिंह तो ये दो टेम्पल्स तो आपने याद रख ही लेने हैं ठीक है अब कुछ एक फैक्ट्स है जो आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होने चाहिए जैसे सबसे पहले अगर बात करें कि ब्रिटिश वेराइटी के जो गार्डन्स हैं वो किसके द्वारा लगाए गए थे तो वो लगाए गए थे कैप्टन आर सी ली और किस वर्ष लगाए गए थे 1870. और शॉर्ट में आपने याद रख लेना है ब्रिटिश वेराइटी गार्डन दूसरा आपने याद रखना है कि किस वर्ष कुल्लू में अंगोरा फार्म को इस्टब्लिश किया गया था तो अंगोरा फार्म को इस्टब्लिश कब किया गया था वर्ष उन्नीस ये आपने याद रख लेना है और कहाँ पे है ये मोहल क्लियर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ए टी बनो के द्वारा जो है वो किस वर्ष सेब के पौधे लगाए गए थे ए टी बनो आपने नाम याद रखना है 1884 में इन्होंने जो है एप्पल्स की वहाँ पे प्लांटेशन की थी वहीं कई बार पूछ लिया जाता है जो आईटीआई है शमसी में शमसी आईटीआई इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में इसी तरह से बुटीको लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा भी था कि जो सोल ऑफ़ बुटीको है वो किसे कहा जाता है ठीक है तो बुटीको किस वर्ष कुल्लू में इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में और सोल ऑफ बुटीको किसे कहा जाता है मिस्टर वेदराम शर्मा ये हमने देखा था अब हम डिस्कस करते हैं फिशरीज सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ट्राउट फिश कहां पे पाई जाती है ये पाई जाती है बंजार सेकेंड आपने याद रखना है ट्राउट हैचरी फॉर्म ये कहां पे सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है कटरेन। देखो हैचरी का मतलब क्या होता है जहां पे आर्टिफिशियल तरीके से जो है अंडे बनाए जाते हैं नेक्स्ट आपने याद रखना है ट्राउट फार्म ये बहुत बार पूछा जाता है ट्राउट फार्म कहां पे है ये है पतली कुल नगीनी और मोहिली। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ट्राउट फार्म्स नेक्स्ट हम थोड़ा सा जानते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में आपने याद रखना है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में ठीक है और इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था 1999 ठीक है और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा है वो किस वर्ष दिया गया था दो में क्लियर तो ये भी हमने यहाँ पर रिवाइज़ कर लिया नेक्स्ट है टू थ्री फाइव इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज वॉज सेलिब्रेटेड किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलेज मनाया गया था सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है जो फुलेज फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है ये मनाया जाता है किन्नौर में ठीक है और इसी फुलेज फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है ये आपने ज़रूर याद रखना है इसको बोला जाता है उख्यांग उख्यांग भी फुलेज फेस्टिवल का ही दूसरा नाम है दो पॉइंट्स तो आपने यही याद रखने हैं ठीक है थीके? अब ये जो फेस्टिवल है मेनली आपको देखने को मिलता है सितंबर मंथ में इस फेस्टिवल में क्या होता है लोग जो है ढोल नगाड़ों के साथ माउंटेंस पर जाते हैं और वहाँ से जो है वो फ्लावर्स लेके आते हैं और वो जो फ्लावर्स लेके आते हैं उस फ्लावर का नाम है लारदा ठीक है ये आपने याद रखना है ये जो फुलेज फेस्टिवल था ये कब सेलिब्रेट किया गया था नाइनटीन में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब यहाँ पर किन्नौर फेस्टिवल्स की बात हो रही है तो और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला तो आपने याद रखना है चैत्रा ये मेनली मनाया जाता है चगाव में सेकेंड हमने अभी अभी डिस्कस किया फुलेच और फुलेच को ही किस नाम से जाना जाता है उख्यांग ठीक है तीसरा आपने याद रखना है जागरो। फोर्थ आपने याद रखना है शिरकिन शिरकिन को ही श्रकान्त के नाम से भी जाना जाता है ठीक है फिफ्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे साजो ठीक है फिर हो गया फागली फागली भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है और फागली का ही जो दूसरा नाम है वो है लुष्कर ठीक है फिर है लोसर आप सभी को पता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन फिर है किप्पा ये भी किन्नौर में मनाया जाता है फिर है चांगो शिशुल इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है चांगो शिशुल जो फेस्टिवल है ये अपनी वर्ल्ड के लिए जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फेमस है ठीक है नेक्स्ट है टू थ्री सिक्स द्रौपदी वॉज सपोज टू बी क्रिमिनेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था तो वो किया गया था तानदी में नेक्स्ट टू थ्री सेवन द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी आर हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में मेन आपको चार रेंजेस देखने को मिलती है कौन कौन सी है लोअर हिल्स जिसको हम आउटर हिमालयास भी बोलते हैं लेसर जिसे हम इनर भी बोलते हैं ग्रेटर हिमालस जिसका नाम है अल्पाइन जोन आपको जो इनके अनदर से जैसे ग्रेटर हिमालयास को क्या बोलते हैं अल्पाइन जोन क्योंकि आपको कई बार एग्ज़ाम में अल्पाइन जोन देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको अगर नाम पता होगा सही से तभी आप इसको अप्रोच कर पाएंगे फिर है जास्कर रेंज जास्कर रेंज को हम क्या बोलते हैं ट्रांस हिमालयास तो ये मेन चार रेंजेस हमारे को देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में तो इस क्वेश्चन की मदद से हम एक रेंज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे दैट इज़ लोअर हिल्स जिसको हम आउटर हिमालस भी बोलते हैं और जिसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे तो शिवालिक के बारे में अगर हम देखें कि ये मेनली आपको रेंज कहाँ पे देखने को मिलती है एक तो आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ठीक है एक आपने याद रखना है हमीरपुर एक आपने पूरा पूरा याद रखना है ऊना और एक आपने याद रखना है बिलासपुर तो इन चार मेन डिस्ट्रिक्ट में तो आपको देखने को मिलती है शिवालिक रेंज ठीक है एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो मैप की सहायता से कांगड़ा हमीरपुर ऊना और बिलासपुर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फिर कुछ एक पोर्शन जो सोलन का है ठीक है सोलन का जो लोअर पार्ट है और मंडी का भी जो लोअर पार्ट्स है वहाँ पर भी आपको शिवालिक रेंज देखने को मिल जाती है ठीक है तो इस तरह से हमने मैप की सहायता से इसको कवर किया अब कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स है जैसे जो शिवालिक हिल्स है इसको एक और नाम से जाना जाता है मेनाक पर्वत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसको आपने याद रखना है ठीक है बात करें इसकी रेंज की तो इसकी रेंज कितनी है तीन से लेकर पंद्रह मीटर इतनी इसकी रेंज रहती है और बाकी हमने जाना कि ये कहाँ पे देखने को मिलती है ये आप देख सकते हैं कांगड़ा हमीरपुर ऊना और बिलासपुर ठीक है तो ये आपने मेन याद रखना है और लोअर पार्ट्स भी आपने याद रखने हैं मंडी सोलन और सिरमौर तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया था ऊना डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो शिवालिक हिल्स मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलती है ऊना में ठीक है कांगड़ा हो गया फिर हमीरपुर हो गया और बिलासपुर हो गया क्लियर तो ऊना किस में पड़ती है शिवालिक में राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट इज टू थ्री एट किन्नर लोक साहित्य बुक इज रिटन बाय किन्नर लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है तो किन्नर लोक साहित्य बुक के लेखक है बी आर शर्मा राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर इसी तरह से यहाँ पे एल सी पार्थी है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है कुल्लु देश की कहानी ठीक है इसी तरह से टी एस नेगी इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है एस टी ऑफ हिमाचल प्रदेश क्लियर तो यहाँ पर आप नोट्स में देख भी सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू थ्री नाइन विच रिवल्यूट ज्वाइंस पब्बर नियर चिड़गांव इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिड़गांव के निकट बब्बर में मिलता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करेंगे पहले हम कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं उसके बाद इस पे आते हैं जैसे हम बात करते हैं यमुना रिवर की यमुना रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो एचपी में ये कहाँ से एंटर होती है सबसे पहले तो ये याद रखना है एंटर होती है ये खादर मांझरी खादर मांझरी और हिमाचल प्रदेश को ये लीव कहाँ से करती है ये हमारे को पता होना चाहिए ये करती है ताजेवाला ताजेवाला से ये हिमाचल प्रदेश को लीव करती है और और उसके बाद ये कहाँ चले जाती है हरियाणा बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की ये हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहली ट्रिब्यूटरी हम पढ़ते हैं गिरी तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलेंगे गिरी रिवर के बारे में अगर हम पढ़े तो ये कहाँ से निकलती है कुपर पीक ऊपर पीक से ये निकलती है ठीक है और पड़ती कहाँ पे है ये ऊपर पीक नियर जुब्बल ठीक है इतने पॉइंट आपने याद रखना है बात करें गिरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है एक तो है जलाल और एक है असनी तो ये दो ट्रिब्यूटरीज किसकी है गिरी रिवर की क्लियर इसके बाद करते हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है टॉन्स टॉन्स रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है एक तो है रूपिन और एक है सुपिन रूपिन और सुपिन जो दो नदियाँ हैं ये मिलती हैं नटीवार यहाँ पर मिलकर इसको नाम दिया जाता है टॉन्स रिवर क्लियर और टॉन्स रिवर यमुना में कहाँ पे मिलती है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो ये मिलती है कालसी में ठीक है ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है इसके बाद आते हैं पब्बर पब्बर रिवर कहाँ से निकलती है ये निकलती है चंद्र नाहन ग्लेशियर चंद्र नाहन ग्लेशियर से ये निकलती है क्लियर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है आंध्रा और आंध्रा रिवर चिड़गांव में आकर जो है पब्बर रिवर से मिलती है कहाँ पे मिलती है ये चिड़गांव में एक और ट्रिब्यूटरी है पब्बर की इसको भी हम डिस्कस करते हैं इसका नाम है पटसारी ये भी पब्बर की ट्रिब्यूटरी है और ये पब्बर में कहाँ पे मिलती है ये आपको पता होना चाहिए हेमलेट हेमलेट में आकर जो पटसारी रिवर है वो पब्बर में मिल जाती है क्लियर और एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की बाटा ये भी आपने याद रखना है तो सारे की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हमने डिस्कस कर ली अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या पूछा गया था कि पब्बर में आकर कौन सी नदी यहाँ पर मिलती है चढ़ में क्लियर तो अभी हमने देखा कौन सी मिलती है आंध्रा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है टू फोर्टी द आर्मी हेड क्वार्टर्स वॉज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था आर्मी ट्रेनिंग कमांड के बारे में अगर हम देखें तो इसका हेड क्वार्टर था शिमला में ठीक है और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था एट्टीन सिक्सटी फोर में तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर और भी कुछ एक सेंटर से जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल ये कहां पे सिचुएटेड है डगसाई सोलन में इसी तरह से आपको एक पता होना चाहिए सेंट्रल टसार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहां पे है यह है चौंतरा में और चौंतरा एक वैली भी है कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंडी इसी तरह से हम टॉपिक्स को रिलेट करते हुए चलेंगे ठीक है दो हमने यहां पे जाने तीसरा आपने याद रखना है जज कोर्ट ये कहां पे है प्रागपुर और प्रागपुर कहां पे पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अगला क्वेश्चन है 241 फोर्टी वन देहरी मोन्यूमेंट्स आउटसाइड मेनी विलेजेस ऑफ एचपी आर सिंबल ऑफ तो देहरी मोन्यूमेंट किसी रिलेटेड है सती राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अगला है टू फोर टू है तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है धर्मशाला और 1955 में इसमें दो बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था यहां पे आप देख भी सकते हैं ठीक है थीके? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है टू फोर थ्री शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वॉज सेटअप इन विच ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो इसको हम एक बार कवर करते हैं शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट सोलन में और ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे किसका जो है वो संरक्षण किया जाता है हिमालयन ब्लैक बियर ये आपने याद रखना है अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही है तो कुछ एक और आपको पता होनी चाहिए जैसे कायस कायस कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इसी तरह से कुल्लू में और कौन सी है कंवर और कौन सी है वहां पे खोखन ये तीनों के तीनों कहाँ पे आपको देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इसी तरह से आपने एक याद रखनी है गांगुल गांगुल कहाँ पे देखने को मिलती है आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में और यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है यहां पर कश्मीरी स्टैग कश्मीरी स्टैग जिसे हम कहते हैं कस्तूरी मृग कस्तूरी मृग का यहां पे संरक्षण किया जाता है इसी तरह से आपने एक याद रखनी है लिप्पा आश्रम लिप्पा आश्रम आपको कहां पे देखने को मिलती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और यहां पर किसका संरक्षण किया जाता है याक का तो ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय